त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के चौथे चरण में मथुरा जनपद में मतदान होगा, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन सभी तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटा है। इसी क्रम में चुनाव संपन्न कराने के लिए पोलिंग पार्टीज को गंतव्य तक पहुंचाने और सुरक्षित उन्हें वापस लाने के लिए वाहन उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसकी जिम्मेदारी सहायक संभागीय परिवहन कार्यालय को दी गई। दरअसल कार्यालय में वाहन संबंधी अधिग्रहण के कार्य संपादित कर रहे एआरटीओ प्रवर्तन द्वितीय मनोज मिश्रा ने बताया कि मथुरा जनपद के सभी 10 ब्लॉक में संपन्न होने वाले चुनाव के लिए वाहन अधिग्रहण की व्यवस्था की जा रही है। जनपद में कुल 619 वाहनों की आवश्यकता है, जिसमें 354 वाहन समेत 44 ट्रक मांगे गए हैं, जिनके उपलब्ध कराने की व्यवस्था कार्यालय स्तर पर की जा रही है। चूँकि जनपद मथुरा में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव प्रणाली के में 29 को चुनाव है यहाँ पे चौथे चरण में, उसके लिए चुनाव में हम लोग पूरी तैयारी से जुटे हुए हैं। वाहनों की व्यवस्था में बसों की जो डिमांड है, 619 बसों की डिमांड जनपद में है, जनपद मथुरा की 10 ब्लॉकों में, और इसमें 354 जो है हमको हल्के वाहन की आवश्यकता है और 44 ट्रकों के DCM की आवश्यकता है। इस प्रकार से इन वाहनों के कैटेगरी वाइज हम लोग उसका व्यवस्था करके अधिग्रहण तैयार करके जल्द ही अधिग्रहण हम लोग डोर टू डोर सर्व करेंगे और वाहनों की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। बता दें कि मथुरा में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में चौथे चरण में मतदान होगा, जिसके लिए प्रशासन द्वारा पोलिंग पार्टीज को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए वाहनों की व्यवस्था की जा रही है।